की राजधानी दिल्ली में आए दिन लगातार बीमारियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर वार्ड में आला अधिकारियों के साथ नगर निगम साउथ दिल्ली चेयरपर्सन नंदिनी शर्मा और वहां की निगम पार्षद अनीता तवर के साथ जिला उपाध्यक्ष रणवीर तवर के द्वारा आयुर्वेदिक जागरूक शिविर लगाया गया। इस मौके पर वहां के स्थानीय निवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आप तस्वीरों में देख ही सकते हैं किस तरीके से लोग वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस मौके पर लोगों को आयुर्वेदिक दवाइयों को लेकर जागरूक भी किया गया। यहाँ पे एक आयुर्वेदिक कैंप का उद्घाटन किया था। कोरोना के चलते हुए आज आयुष मिनिस्ट्री और हमारे हर्षवर्धन जी ने भी बताया कि कैसे आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल हमारा इसके अंदर काफ़ी इफेक्टिव रहा है और हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उसको देखते हुए आज हमने इस वार्ड के अंदर छतरपुर वार्ड के अंदर हमारी निगम पार्षदा अनीता तवर जी की अध्यक्षता में हमारे डेप्टी डायरेक्टर के लता जी के सहयोग से आज हमने एक आयुर्वेदिक कैंप लगाया और इसके अंदर हमने अपनी आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो काढ़ा जिसकी बात हम शुरू से करते आ रहे हैं, एक अणु तेल जो नाक में डाला जाता है, साथ में अश्वगंधा चूर्ण और अमृता रिष्ट, इन चारों दवाइयों को आज हमने यहाँ पे बांटा है जिससे छतरपुर की जनता इसका फ़ायदा उठाए, इस आम्बेडकर बस्ती के अंदर यहाँ की जनता फ़ायदा उठाए और सभी हृष्ट पृष्ट होकर इस कोविड से लड़ सके और आगे के चैलेंजेस जो है लाइफ के वो अच्छे से फेस कर सके। आज हम लोगों ने इस क्षेत्र के अंदर आज मेरे साथ डायरेक्टर डैम्स श्री इंद्रजीत सरावत जी भी थे, साथ में हमारे डायरेक्टर डैम्स मिस्टर हमारे डायरेक्टर डैम्स भी थे, हमारे जोनल इंचार्ज भी थे और हम सब ने सभी ढलावों की यहाँ पे समीक्षा करी कि कैसे किस ढलाव को हम बंद कर सकते हैं, किस ढलाव के अंदर हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं, किस ढलाव के अंदर हम FCTS लगाकर इस वार्ड को स्वच्छता की जो हमारा श्रेणी है उसके अंदर हम आगे बढ़ा सकते हैं। उसके तहत हमने सभी वार्ड्स की आज समीक्षा करी और बहुत ही जल्द आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और ये वार्ड ढलाव मुक्त होगा। जो मेरे वार्ड में आज कार्यक्रम है वो हमारी बहन जोन चेयरमैन डॉक्टर नंदनी जी है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वार्ड में आज आई। इसमें हमारे एक तो अपना आयुर्वेदिक कैंप का इनोग्रेशन किया है और दूसरा इसके साथ साथ हमारे जितने डैम्स हैं जितने भी हमारे वार्ड में जो समस्याएं थी उनको सुनने के लिए यहाँ पर इनको बुलाया, ये एक ही नोटिस में आई। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ जैसे कि दीदी ने कहा है कि ये ज़रूर इसका हम कुछ ना कुछ करेंगे तो हम सब लगे हुए हैं इस इनका जरूर सॉल्यूशन निकालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ढलानों को कम करेंगे और अपना STP प्लांट लगा के STPS लगा के इन सब के निजात पाएंगे। मैम आप तो आज का तो अपने कार्यक्रम क्या है इसके बारे में जानकारी दीजिए। अच्छा, बस हमारा आयुर्वेद दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का आयुर्वेद विभाग हमारा जगह जगह जाकर हमारे अपने हर एक जोन में हम कैंप लगाते हैं जिसे हम पब्लिक अवेयरनेस कैंप इसको कहते हैं और हम दिल्ली की जनता को जागरूक करते हैं COVID-19 के बारे में और हमारे डिपार्टमेंट में जो हमारे पास आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जिनसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है हमारे शरीर की, वो दवाइयों का हम वितरण करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि मास्क पहने, हाथ बार बार धोएं और 2 गज की दूरी बनाकर रखें और भी जो हमारे घरेलू उपाय होते हैं नुस्खे होते हैं वो हम सब हर एक जनता तक पहुंचाते हैं, हर एक को बताते हैं।